पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस सच एज रेंट सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कम्युनिकेशन बिल, ट्रांसपोर्ट चार्जेस एंड सो ऑन, विच आर रिक्वायर्ड टू कैरी ऑन द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। फर्म, कोई भी खर्चा जो फर्म दी डे टू डे एक्टिविटीज नू रन करन दे लई कीता जांदा उन्हां नू एक्सपेंस कहंदे आ। सो जो एक्सपेंस आ ओ असी फोर मेनली टू वेज आ, कैश थ्रू पे करदे आ जां थ्रू चैक, मीनस के बैंक थ्रू पेमेंट करदे आ। बट जेकर आउटस्टैंडिंग मीनस के पेंडिंग, जेकर सपोज करो 1 अप्रैल को जो बिल पे करना था, जब कोई पेमेंट करनी थी, रेंट देना था, जब सैलरी पे करनी थी, आज 10 अप्रैल हो गया, बट ये जो है अभी तक पेंडिंग है, जो हमने पे नहीं की। सो 10th तक ये क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस अप्रैल, मई, जून, जो इन 3 मंथ्स की रेंट्स हैं, सैलरी है, जो कोई और एक्सपेंस है, वो मार्च मंथ में ही पे कर दिया जाए। यानी एडवांस में हम 3 मंथ्स का बिल किसी भी एक्सपेंस का पे कर दें तो उसे कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग मींस के ड्यू डेट, ड्यू बट नॉट येट पेड, ड्यू बट नॉट येट पेड के टाइमिंग हो चुका है बट पे नहीं किया, और इसमें हमने क्या कर दिया, ऑलरेडी पेड बिफोर द ड्यू डेट, ड्यू डेट से पहले ही हमने पे कर दी है, तो उसे कहते हैं प्रीपेड। सो पेमेंट की ये 4 काइंड्स होगी, जहाँ तो हम पेमेंट कैश में करते हैं, या बैंक में करते हैं, जहाँ हमने पेमेंट की ही नहीं, जहाँ हमने एडवांस पेमेंट कर दी, ये होगी ऑन टाइम पेमेंट। सो इनका जर्नल कैसे करना है, वट एवर काइंड ऑफ एक्सपेंसेस देयर दैट शुड बी डेबिटेड, बिकॉज एक्सपेंस इज अ नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंस जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, इन नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर टू बी डेबिटेड एंड ऑल रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स आर टू बी क्रेडिटेड। सो एक्सपेंस वट एवर काइंड ऑफ इज देयर दैट शुड बी डेबिटेड, इफ यू पेड इन कैश देन राइट हियर टू कैश अकाउंट, बिकॉज मनी एंड बैंक, बैंक इज अ रजिस्टर्ड है, आर्टिफिशियल पर्सन है, सो इफ आर्टिफिशियल पर्सन है दैट इज अ पर्सनल, एंड कैश इज अ रियल अकाउंट विच कैन बी सीन और टच्ड बट इट्स नॉन लिविंग, नॉट रजिस्टर्ड। सो द जर्नल ऑफ दीज 4 काइंड्स आर, इफ यू आर गोइंग टू पेड, लेट द एक्सपेंसिस रेंट, इफ यू आर गोइंग टू पेड रेंट इन कैश, आपने कैश में पे कर दिया, देन credited will be to cash account. If you pay rent through check, then you have to write to bank account. If it is outstanding, then rent account debit to outstanding rent account. अब इन तीनों केसेस में क्या, देखो एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, डेबिट है, कैश में पे किया, कैश चला गया, सो टू कैश अकाउंट, चेक के थ्रू किया पेमेंट तो हमारा जो बैंक बैलेंस है वो कम हो गया, सो टू बैंक अकाउंट, और अगर हमने पे ही नहीं किया, अभी तक पड़ा हुआ है देना, तो हो गया टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। द लास्ट वन इज अगर हमने एडवांस में दे दिया, एडवांस में चला गया है पैसा हमारा, सो उसका क्या हो गया, प्रीपेड रेंट अकाउंट टू रेंट अकाउंट। अब ये 3 तो सिमिलर है, जस्ट इट इज़ डिफरेंट, इसमें रेंट अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट, क्योंकि यहाँ डेबिट क्या हो गया कि हमने एडवांस में चला गया है, प्रीपेड रेंट अकाउंट।